वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक को लेकर के जारी विवाद के बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें कल पेश होकर के अपना पक्ष रखने को कहा गया है। कंधार विमान अपहरण मामले पर बनी इस वेब सीरीज को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि इस वेब सीरीज में आतंकियों की पहचान बदल ही गई है। वेब सीरीज में आतंकियों के निक नेम प्रयोग किए गए हैं जिनकी अब आलोचना हो रही है। वेब सीरीज में आतंकियों के निकनेम बर्गर, चीफ, शंकर और भोला दिखाए गए हैं। कंधार विमान अपहरण मामले पर यह आधारित है वेब सीरीज। तापस भट्टाचार्य और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तापस, क्या कहा गया है इस समन में सरकार की तरफ से, और क्या प्रोड्यूसर को भी अब आगे बुलाए जाने की संभावना है इस पूरे मामले में? नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को अब शायद स्पष्टीकरण देना होगा। देखिए, आप सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि समन शायद थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा। समन नहीं, उनको एक्सप्लेनेशन देने की बात की गई है कि क्या ये जो इसमें जो कुछ तथ्य दिखाए गए थे, क्या वो तथ्य कितने सही हैं, वो उस पर अभी भी उन्होंने कहा कि उसको लेके उन्होंने एक बात उठाई है कि ये सही नहीं है। जिस तरीके से पूरा इसको दिखाया गया, ये पूरा जो प्रकरण दिखाया गया, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो बहुत उपेक्षा उसमें ज्यादा दिक्कत थी। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कहा कि ये जो जो दो तीन चीजें हैं जो उन्होंने दिखाया है इस पूरी सीरीज में, मैंने भी ये सीरीज देखी, उसमें हमें भी लगा कि जो तथ्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उसी को लेके उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया गया है, और इसी वजह से INB मिनिस्ट्री की तरफ से उनको समन शायद नहीं, उनको एक्सप्लेनेशन देने की बात की गई है। नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड को ये बोला गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आने की। ये इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो इस वक्त है एक सोर्सेज के जरिए, तो सोर्स जो है अभी हमें ये कह रहे हैं कि उनको बुलाया गया, उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा गया, तो बहुत जल्दी हमें उस पर एक्सप्लेनेशन हम देखने को हमें मिलेगा। थोड़ा सा मामला भी समझा दें, क्यों बुलाया गया उनको, जरूरत क्या पड़ी? बहुत सारी वेब सीरीज आती हैं, सभी को बुलाया नहीं जाता, कंटेंट हेड को बुलाया जाना, विरोध किस बात को लेके हो रहा है? देखिए, सबसे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो IC 814 जो वेब सीरीज बनाया गया था, ये कंधार मामले को लेके बनाया गया था, और आपको पता है इसमें जो इस सीरीज में कुछ ऐसी जो चीजें की गई है, इसमें नाम जो कुछ सॉलिड तथ्य हैं उनको भी जब आप देखेंगे आपको भी समझ में आएगा कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। ऑल्दो उससे पहले एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक उन्होंने वो निकाला है कि ये इसको क्या कहते हैं, आरा सारा इसको तथ्यों पे ना लिया जाए, इसको मूवी के हिसाब से उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन उसके अलावा जो बेसिक चीज़ है उस पर ऑब्जेक्शन किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो इसी वजह से उनको ये जो कंटेंट है नेटफ्लिक्स को उनके ये निकाल उनको ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा गया है। जो ये टेरर आउटफिट थे, आपको याद होगा ये 1999 में ये कंधार हाईजैक हुआ था, ये एयर इंडिया का जो विमान था, तो उसको लेके ये मूवी बनाई गई थी। और जब ये मूवी आप देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें जो नाम है, जो हमने भी जब देखा इसमें, तो हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर दिए गए हैं, जो कि बहुत हद तक शायद सही नहीं है। ये इसमें ऐसी चीजें दी गई है जैसे उसको जो सीरीज है उसमें एक अलग तरीके का एक पहलू देने की कोशिश की गई है। तो ये जो सीरीज है इसको आपको पता होगा अनुभव सिन्हा ने बनाया था, और ये जो किताब है एक त्रिशांत श्रीवास्तव की एक किताब थी फ्लाइट इनटू फियर कैप्टन स्टोरी, तो ये इससे भी बहुत सारा इंस्पायर्ड है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा जो ये वेब सीरीज है इसमें बहुत सारे जो तथ्य जैसे मैंने बताया कि जो नाम के साथ छेड़छाड़ की गई है या फिर जो अलग जो चीज़ें हुई है जो घटना है उसको रूपांतर करने के चक्कर में उन्होंने बहुत ज़्यादा से मसाला डालने की कोशिश की गई, तो ये जो चीज़ें इसकी वजह से एक एक्सप्लेनेशन मांगा गया है उनसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट रहा है भारत के लिए, और इसकी वजह से ये इतनी ज्यादा जो दिक्कत आ रही है हम देख पा रहे हैं। शुक्रिया तपस, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आ रही है नेटफ्लिक्स के